नमस्कार दोस्तों, धारास किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम बिल्कुल ही नई डिश। कॉर्न से बनाएंगे आज हम कैश्यू कॉर्न बटर मसाला। बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी ये ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी। एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, बिल्कुल ही इनोवेटिव रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट का खाना भी भूल जाए ऐसी ये कॉर्न कैश्यू बटर मसाला की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है। ये लिए है स्वीट कॉर्न, ये बॉईल किए लिए है मैंने। बॉईल आपको इसे करना है एक अलग ही ट्रिक से। बॉईल करने के लिए आपको कुकर में सफिशियंट वाटर ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है, सॉल्ट ऐड करना है और चीनी भी ऐड करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऐड करने से हमारा जो स्वीट कॉर्न है ना, वो बहुत नर्म और बहुत ब्यूटीफुल कलर आता है इससे। ये है कैश्यू और ये है मगज तरीके बी। इसे हमें गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है, जिससे कि ये बिल्कुल ही नर्म हो जाए। ये कुछ और कैश्यू है जिसे हम फ्राई करके आगे लेने वाले हैं। ये है कैप्सिकम। कैप्सिकम ऐड करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसी के साथ है यहाँ पर कुछ हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। ये है मिल्क, मलाई के साथ लिया हुआ ये मिल्क है। कैश्यू पेस्ट बनाने के लिए हमें ये चाहिए होगा। उसी के साथ ली है यहाँ पर कुछ बारीक कटी हुई प्याज और कुछ टमाटर। और उसी के साथ लेंगे यहाँ पर चीज़, ये भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और लेंगे हम बटर भी, बटर मसाला है तो बटर तो चाहिए। बस इतने ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमारी ये रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बनकर तैयार हो जाएगी। तो कढ़ाई में लेंगे हम पहले 1 टेबल स्पून ऑयल और उसी के साथ ऐड करेंगे हम 1 to 2 टेबल स्पून जितना बटर। भाई बटर मसाला है तो बटर आराम से ही ऐड करेंगे। पहले ऑयल ऐड करेंगे फिर बटर और हम कैश्यू को फ्राई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कैश्यू की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो कैश्यू हमने फ्राई कर ली है और कैप्सिकम को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें फ्राई कर ली है और इसके ऊपर हम ब्लैक पेपर पाउडर छिड़केंगे। ब्लैक पेपर पाउडर से इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। सेम पैन में ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही में ऐड करेंगे हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे हम प्याज और प्याज को भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल ही ट्रांसल्यूट होने देना है, बिल्कुल ही गल जाने चाहिए। तो इसे थोड़ी देर के लिए आप स्टर करते रहें। तो ये देखिए 2-3 मिनट में ही हमारे प्याज बिल्कुल ही ट्रांसल्यूट हो गए हैं। ऐड करेंगे टमाटर और फिर से हमें टमाटर गलने तक इसे पकाना है। थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से पक जाए। तो इसे ढक्कन लगा ले या फिर ऐसे ही स्टर करते हुए गलने तक पका ले। तो ये लीजिए, थोड़ी देर बाद हम चेक करते हैं, हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। टमाटर हमारे ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम कैश्यू और मगज की पेस्ट बना लेते हैं। तो इसे मिक्सी जार में ऐड करेंगे, साथ ही में ऐड करेंगे मिल्क और उसके साथ इसकी मलाई। ये वही मिल्क है जो घर पे हमारे आता है और हम इसे गर्म करके रखते हैं तो मलाई की परत हो जाती है। इसे हमने पीस लिया है और बिल्कुल ही फाइन पेस्ट हमने बना ली है। तो कितनी सुपर्ब कैश्यू पेस्ट बनकर तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे और सेम मिक्सी जार में हम ठंडे हो गए हमारे टमाटर की भी प्योरी बना लेंगे। दोस्तों, रेस्टोरेंट का काजू बटर मसाला भी आप भूल जाओगे, इतनी अच्छी ये कॉर्न कैश्यू बटर मसाला बनता है। ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो टमाटर भी हमने पीस लिए है, उसे सेम कढ़ाई में ऐड करेंगे और मसाले करेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, यहाँ पर आप जितना तीखा पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग मसाले भी ऐड कर सकते हो। धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे और ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने से इसका
टेस्ट भी इन्हेंस होगा और हमने यहाँ पर तड़के में हींग इस्तेमाल नहीं किए है, तो हमारे डाइजेशन के लिए भी ये काली मिर्च बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल ही लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है और लो फ्लेम पर ही इसे हमें ऑयल रिलीज होने तक अच्छे से कुक करना है। तो ये देखिए बटर इसका ऊपर आ गया है, ग्रेवी अच्छे से थिक हो गई है। ऐड करेंगे हम कॉर्न और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। फिर से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब कॉर्न को भी इन ग्रेवीज के साथ अच्छे से कुक होने देंगे जिससे कि इसका फ्लेवर भी बैठ जाए। केश्यू पेस्ट भी हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल ही रिच और डिलीशियस हमारी ये डिश बनने वाली है दोस्तों, ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो फिर से हम ढक्कन लगाएंगे और लो फ्लेम पर ही हमें इसे बटर रिलीज होने तक अच्छे से कुक होने देना है। तो ये लीजिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ही गाढ़ी ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी ये डिश बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ही क्रीमी और वेलवेटी टेक्सचर है। फिर काजू ऐड किए हैं तो डिश की रिचनेस भी बढ़ जाती है और टेस्ट के तो क्या कहने, वो तो आप जब बनाएंगे ना तभी यकीन करेंगे। तो बस इसी स्टेज पर हम ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए कैप्सिकम और काजू, थोड़े से मैंने सजाने के लिए साइड में रख दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप टेस्ट कर ले, अगर आपको कुछ कम लगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर फिर से ऐड किया है और सॉल्ट टू टेस्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टेस्ट कर लें। फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों ये डिश आपने पहले कभी भी नहीं बनाई होगी, ये बिल्कुल ही नई और इनोवेटिव डिश है, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये पराठे या फिर राइस के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर से ढकेंगे और एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकने देंगे। तो ये लीजिए आप देख सकते हैं बहुत ही माउथ वाटरिंग हमारी कॉर्न केश्यू बटर मसाला बनकर तैयार हो गई है। देखते ही मुँह में पानी आ गया ना दोस्तों। ये देखिए रेस्टोरेंट की डिश भी आप भूल जाओगे, इतनी सुपर्ब ये डिश बनी है। तो इसे हम अब सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप चाहो ना फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप ये डिश बन जाने के बाद भी थोड़ा सा और बटर ऐड कर सकते हैं अगर आपको बटर का टेस्ट ज़्यादा पसंद हो तो। तो सर्विंग बाउल में इसे निकालेंगे और इसे गार्निश करेंगे हम हमारे फ्राई किए हुए कैप्सिकम और काजू से, और इसे और माउथ वाटरिंग और यम्मी लिशियस बनाने के लिए इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे चीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, चीज़ ग्रेट करने से, चीज़ ऐड करने से ये जो कॉर्न केश्यू बटर मसाला है बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है, क्योंकि हमें इसे गर्म गर्म सर्व करना है। तो चीज़ ऐड करना ऑप्शनल है, पर ऐड करोगे तो और डिलीशियस लगेगा। तो आप इसे दोस्तों परोस सकते हैं पराठे के साथ, चावल के साथ, और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट का खाना भूल जाए, ऐसी बेहतरीन हमारी डिश बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई करें ये नई इनोवेटिव मेरी रेसिपी और कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इनोवेटिव रेसिपी के साथ।